नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जब मनुष्य पैसों की तंगी से गुजरता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो कुछ लोगों के साथ ऐसे हालात भी बन जाते हैं कि पैसा कमाने के बाद भी उनके पास पैसा टिकता नहीं है, उनके घर में पैसा रुकता ही नहीं है। और वहीं दोस्तों, कई परिस्थितियाँ ऐसी भी बन जाती हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी आपको तरक्की नहीं मिल पाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो कि लौंग और इलायची से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को ज़रूर से ध्यान से पूरा आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, यह बहुत ही कारगर और अचूक उपाय हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले बाज़ार जाना है और बाज़ार से आपको लौंग और इलायची खरीद कर ले आना है। और दोस्तों, जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको जो आपने लौंग और इलायची खरीद कर लाई हैं, उस लौंग और इलायची को सबसे पहले ले जाकर आपको अपने घर के पूजा स्थान में रखना है, जहां पर आप भगवान की मूर्तियां या फ़ोटो रखते हैं, जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां पर इस लौंग और इलायची को रखना है। तो दोस्तों, आप बाज़ार से बहुत सारा लौंग और इलायची खरीद कर लाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें ज़रूरत है सिर्फ एक लौंग और एक इलायची की। तो दोस्तों, जो आपने बहुत सारा लौंग और इलायची खरीद कर लाए हैं, तो उसी में से आपको एक लौंग और एक इलायची निकाल लेना है और उसे एक कागज़ में रख कर पुड़िया बना लेनी है। यानी कि आपको लौंग और इलायची को कागज़ में डालकर पुड़िया बनाना है। उसके बाद दोस्तों, उस एक लौंग और एक इलायची को आपको अपने माथे से लगाना है। उसके बाद उस पुड़िया को पूजा स्थान में रख देना है और पुड़िया को रखते समय दोस्तों आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। दोस्तों, एक बार ध्यान से और सुनिएगा, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। यह मंत्र आपको 3 बार बोलना है और उस पुड़िया को अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है। और दोस्तों, यह उपाय आपको शाम के समय करना है, यानी कि शाम के समय आपको यह पुड़िया अपने पूजा मंदिर में रखनी है। और दोस्तों, उसके बाद आपका यह उपाय हो गया, आपको फिर उसके बाद सो जाना है। उसके बाद दोस्तों, फिर अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह आप स्नान करके नहा धोकर जब फ्रेश हो जाएंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से अपने घर के उसी पूजा मंदिर में जाना है और जो आपने शाम को एक लौंग और एक इलायची पुड़िया में बांध कर रखा था, तो उन पुड़िया में रखी हुई लौंग और इलायची को आपको पूजा मंदिर से उठा लेना है और उठा कर अपने घर में जो आपने तुलसी लगाया हुआ है, हर किसी के घर में दोस्तों तुलसी ज़रूर ही होता है, तो आपको करना क्या है कि एक लोटा लेना है और एक लोटे में स्वच्छ जल लेना है और उस लोटे में उस एक लौंग और एक इलायची को डालकर आपको माँ तुलसी को चढ़ा देना है। और माँ तुलसी को जल चढ़ाते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र को दोस्तों आपको तुलसी माता के सामने 3 बार बोलना है। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ यह है कि आप माता तुलसी से, जगत जननी माता तुलसी से अपने सर्व सुख की कामना करते हुए, सौभाग्य की कामना करते हुए और अपने जीवन की आधि व्याधि को हरने के लिए माता तुलसी से आप प्रार्थना कर रहे हैं और माता तुलसी की आप स्तुति कर रहे हैं, जिससे माँ तुलसी आपके सभी संकटों को, दुख दर्दों को और गरीबी को दूर कर दें। तो ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। तो दोस्तों, आप इस मंत्र को 3 बार ज़रूर बोलिए। दोस्तों, इस तरीके से जो ये आपका उपाय है वह पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को रोज़ाना यानी कि प्रतिदिन, आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है, आपको प्रतिदिन यह उपाय करना है। दोस्तों, यह उपाय सिर्फ आपको रविवार के दिन और एकादशी के दिन नहीं करना
करना है, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन जो है माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए सिर्फ एकादशी और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन आपको यह उपाय लगातार करते रहना है। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, आपके जीवन से सभी समस्याएं दुख दर्द समाप्त हो जाएंगी, आपकी पैसे की जो दिक्कत है तंगी है वो भी दूर हो जाएगी और आपके घर में पैसा बरसने लगेगा, पैसा आएगा तो टिकने लगेगा और आपका जीवन खुशहालमय हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों तो जब हम लगातार किसी उपाय को या किसी अनुष्ठान को करते हैं तो हमें उस उपाय में और उस अनुष्ठान में सिद्धि मिल जाती है और हमारा जो कार्य है वह सिद्ध हो जाता है, यानी कि हम जिस कार्य के लिए उस उपाय को कर रहे होते हैं वो कार्य हमारा सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।